पापा पापा देखो मम्मी। ओह माय गॉड। अरे बेटा मम्मी यहाँ क्या करेगी, मम्मी तो ऑफिस गई है ना बेटा। नहीं पापा, मैंने मम्मा को देखा अभी गाड़ी में। अरे बेटा ये मम्मी की गाड़ी नहीं है, मम्मी तो सुबह सुबह तुम्हारे सामने ऑफिस गए थे ना। हाँ पापा, लेकिन मैंने मम्मी को देखा गाड़ी में। अच्छा, पर बेटा इस गाड़ी में तो कोई है ही नहीं। यार मेरा पति आ रहा है, अब क्या करूं? तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। ड्राइवर एक काम करो, गाड़ी आगे लो। साहब आगे कैसे ले जाऊं, आगे पुलिस खड़ी है, चेकिंग चल रही है आगे। अरे तो बैग ले लेना इसको, किसी और रास्ते निकाल लियो। साहब पीछे नहीं कर सकता, पीछे जाम लगा हुआ है। भैया प्लीज यहाँ से निकालो भैया प्लीज, मैं आपको टैक्सी का डबल किराया दूंगी, पर प्लीज यहाँ से निकालो भैया, जल्दी निकालो। सॉरी मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ये तुम टोपी खाओ, मैं अभी आता हूँ। यार अमित मेरा हस्बैंड इधर ही आ रहा है, अब क्या करूँ? अरे तुम घबराओ मत, एक काम करो मास्क पहनो और गाड़ी से बाहर निकलो और सीधा सीधा चलो। रुको, मास्क नीचे करना। खुशबू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो कुछ नहीं। और तुम घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं नहीं मैं कहाँ घबराई हुई, लेकिन तुम तो ऑफिस गई थी ना। हाँ वो सक्सेना जी की पेमेंट लेनी थी ना, तो बस वहीं जाना था। अरे रिवांशु कहाँ जा रहे हो? अमित तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई वो मेरे पैसे गिर गए थे तो मैं वो उठा रहा था। अच्छा पैसे उठा रहा था, वैसे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? भाई हम वो शर्मा जी के लड़के की शादी, मतलब शर्मा जी के यहाँ डील फाइनल करने जा रहे थे। क्यों भाई तू क्यों दांत निकाल रहा है, कोई सर्कस चल रहा है क्या यहाँ पर? सॉरी साहब, वो सर कह रहे है ना डील फाइनल करने जा रहे है, इसलिए हंसी आ गई थोड़ी सी। तो कहाँ जा रहे हो ये? साहब इन्होंने मेरी गाड़ी बुक होटल जाने के लिए करी थी, लेकिन ये तो होटल जाने से पहले ही शुरू हो गए। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, झूठ क्यों बोल रहे हो? हिमांशु इसके बात पर यकीन मत करना, झूठ बोल रहा है ये। झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। क्या कह रही हो तुम? कि मैं पेमेंट लेने जा रही हूँ, और ये मां से कह रहे हैं कि मैं डील करने जा रहा हूँ। तुम दोनों मिलके मेरे को बेवकूफ बना रहे हो क्या? सॉरी हिमांशु मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? अरे गलती तो मुझसे हो गई जो तू जैसी लड़की से शादी कर ली। अरे कुछ तो शर्म कर लेती, छोटी बच्ची है हमारी, और तुम ये सब कर रहे हो। अच्छा हुआ हकीकत पहले सामने आ गई, तुझे ये पसंद है ना तो इसी से शादी कर ले, और शाम को मैं डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगा, साइन कर देना उसपे। प्लीज हिमांशु मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अगर तेरे को इतना ही प्यार होता ना हम दोनों से तो तू ये सब नहीं करती यहाँ पर। प्लीज अब कोई फायदा नहीं है, इट्स ओवर। रुको हिमांशु। बेटा तुम अपना ध्यान रखना। मम्मी तुम कहीं जा रही हो? हाँ बेटा अब मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ, उन अंकल के साथ। चलो बेटा।